बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी करते हैं, रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मोनेरा किंगडम करता है सिर्फ, कीमोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दो ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ मोनेरा किंगडम करते हैं और कोई किंगडम यानी प्रोकैरियोट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन और कीमोसिंथेसिस प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया करते हैं, यूकैरियोट नहीं करते। तो बैक्टीरिया का रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे है बेटा, मैं इसमें बैक्टीरिया के नाम ही नाम लिखाऊंगा जो, तो अभी ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, सिर्फ इसको देख देख एक वीडियो को देखना देखना, अभी याद नहीं होंगे, धीरे धीरे इन सारे नामों को अपनी नोटबुक में नोट करना, फिर बार बार में याद करना, धीरे धीरे याद होंगे, काफी ज्यादा नाम है, मुश्किल टॉपिक है, बैठ के आराम से याद करना, इनके नाम नाम नोट करने। सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड में अगर चेंज हो गई तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन कंपाउंड अमोनिया हो सकती है, NO2 हो सकती है, NO3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। N2 अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूं, एक बार में याद नहीं होंगे, पहले नोट करो बुक में, नोटबुक में, और फिर धीरे धीरे याद करना, मैं लिस्ट बना रहा हूं, अभी याद नहीं करने जो। बैक्टीरिया की लिस्ट सुनो, राइजोबियम, एरो राइजोबियम, फ्रेंकिया, कैजोरिना, ना कैजोरिना नहीं है, और चौथे पे है जेंथोमोनास, अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम, और रोडोसुडोमोनास, रोडोस्प्रिलम, क्रोमेटियम, डी सल्फो विब्रियो, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया। हवा की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड बना देते हैं, उस नाइट्रोजन को पेड़ लेता है और पेड़ की पैदावार बढ़ जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक यूजफुल फिनोमिना है, हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, 78% नाइट्रोजन है, वो सारे नाइट्रोजन निकाल निकाल के नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड खेत में डालेंगे तो हमारे को खेत में यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, यूरिया में भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, DAP डालने की, हमारे को खाद डालने की जरूरत नहीं है, रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया खेत में है तो, क्योंकि जो यूरिया और DAP खाद में जो चीज होती है वही नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनती है। तो यूजफुल फिनोमिना है, बैक्टीरिया का यूज है, ये सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। अच्छा, इनमें ये चार बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक है, जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है किसी दूसरे प्लांट के अंदर है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया हवा में नहीं होगा, मिट्टी में नहीं होगा, प्लांट की सेल में होगा और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। सुनो, फिर राइजोबियम मिलता है रूट नोडुल में, मैं इधर लिख देता हूं ना, एक एक करके उठा रहा हूं, राइजोबियम फाउंड इन रूट नोडुल्स ऑफ
लेग्यूमिनस प्लांट, फली वाले जो पेड़ है उनकी जड़ों की गांठों में मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे चना है, मटर है, ये फली वाले पेड़ होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, इनकी जड़ों की गांठों में मिलता है राइजोबियम। ठीक है, तो सिम्बायोटिक होगी, जड़ के अंदर सेल है, सेल में बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोफिक्सेशन कौन सी होगी, बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर हो तो बोलेंगे सिम्बायोटिक। ठीक है, ये पहला होगा बैक्टीरिया। एक प्लांट है सीस बेनिया का, इसके स्टेम नोडुल में, इन द स्टेम नोडुल ऑफ दिस प्लांट, सीस बेनिया के स्टेम नोडुल में एरियो राइजोबियम मिलता है। एरियो राइजोबियम बैक्टीरिया जो मिलता है स्टेम नोडुल में मिलता है, रूट नोडुल में नहीं मिलता है। ठीक है, फ्रेंकिया, इट इज आल्सो फाउंड इन रूट नोडुल्स, ये भी जड़ों की गांठों मिलेगा, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जिन पेड़ों में फली नहीं है उनकी जड़ों की गांठों में मिलता है, जड़ों की गांठों मिलता है लेकिन फली वाले पेड़ नहीं, बगैर फली वाले पेड़ उनमें उनकी जड़ों की गांठों में फ्रेंकिया मिलता है। प्लांट के नाम, तो प्लांट कौन से है जिसकी जड़ों की गांठों में मिलेगा, जिसकी जड़ में मिलेगा लेकिन रूट में मिलेगा लेकिन वो फली वाला पेड़ नहीं है। पेड़ के नाम है कैजोरिना एंड एलनस। नाम बहुत मुश्किल मुश्किल है, बैक्टीरिया के नाम मुश्किल, पेड़ों के नाम मुश्किल, तो धीरे धीरे अपने लिख लो, इसको देख के याद बाद में करना। फ्रेंकिया मिलता है जड़ों की गांठों में लेकिन फली वाले पेड़ों में नहीं, ये बगैर फली के पेड़ हैं इनमें। राइजोबियम फली वाले पेड़ों की जड़ों की गांठों में मिलता था। सीस बेनिया स्टेम नोडुल में मिला है। जैंथोमोनास, ये बैक्टीरिया, ये रे फंजाई है वैसे फ्रेंकिया, मैं बाद में बताऊंगा रे फंजाई क्या होती है तो प्रोकैरियोट मोनेरा, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से ये। अच्छा, ये बैक्टीरिया था एरियो राइजोबियम, राइजोबियम भी बैक्टीरिया था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, एरियो राइजोबियम भी बैक्टीरिया है, और ये फली वाले पेड़ों में मिल रहा है राइजोबियम, एरियो राइजोबियम सीस बने पेड़ों में मिल रहा है। फ्रेंकिया रे फंजाई है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में, इन पेड़ों में मिलती। जैंथोमोनास बैक्टीरिया इज फाउंड इन लीफ नोडुल, पत्तों की गांठों में मिलता है, ऑफ आर्डिशिया प्लांट, आर्डिशिया पेड़ की जड़ों की गांठों में पत्ते, आर्डिशिया पेड़ के पत्तों के अंदर गांठें होती है उसमें मिलता है जैंथोमोनास। तो सारे सिम्बायोटिक नाइट्रोफिक्सेशन कर रहे थे, तो सिम्बायोटिक नाइट्रोफिक्सेशन कर रहे थे, कोई पत्ते के अंदर है, कोई रूट में है, कोई स्टेम में है, तो इसलिए। अब मैं ले रहा हूं फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, या यूं बोल दो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोफिक्सेशन है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोफिक्सेशन मिट्टी में अकेला बैक्टीरिया नाइट्रोफिक्सेशन करेगा, अजोटोबैक्टर। ये सारे नाइट्रोफिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये सारे, ये छह बच गए, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे फ्रीली मिलेंगे, पेड़ के अंदर नहीं मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। अजोटोबैक्टर एरोबिक होता है, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन होगी तो कुछ नहीं होगा इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है कुल मिला के, ये मैंने लिखवाया भी था एरोबिक रेस्पिरेशन में इस बैक्टीरिया का नाम। क्लोस्ट्रिडियम टिटनस भी करता है, क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अनएरोबिक होता है, जो ऑक्सीजन अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मैंने लिखवा रखा, देखना गौर से,
ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में लिखा रखा है एग्जांपल, एजोटोबैक्टर एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखा रखा है, नाइट्रोफिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है, लेकिन और क्या क्या करते हैं वो बता रहा हूँ। नाइट्रोफिक्सेशन करने वाले फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी में फ्री पड़े हैं और नाइट्रोफिक्सेशन कर रहे हैं, और इनके नाम बता रहा हूँ, एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम, इनके दूसरा करैक्टरिस्टिक है ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक, लेकिन नाइट्रोफिक्सेशन नहीं करते हैं। रोडोसुडोमोनास, रोडोस्प्रिलम, क्रोमेटियम, याद करो तीनों का नाम मैंने फोटोसिंथेसिस में लिखवाए थे कि बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके नाम, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं नाइट्रोफिक्सेशन भी करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक है जो नाइट्रोफिक्सेशन करते हैं, ये रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के थे, और लास्ट है डी सल्फो विब्रियो, ये कीमोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेसिस करवा रखा है। क्या होती है कीमोसिंथेसिस? अच्छा, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, या न्यूट्रिएंट साइकिल, हम बोलते हैं ये कोई प्लांट है, ये मिट्टी से नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन, ये मिट्टी है, ये चारों कहाँ हैं मिट्टी में है, ये चारों एलिमेंट मिट्टी में, पेड़ लेगा, पेड़ को खाएगा कोई एनिमल, ये सारे पेड़ में जाएंगे फिर एनिमल में जाएंगे, जिंदा तो कोई धरती पे परमानेंटली रहना नहीं, मरना सबको है, एनिमल की डेथ होगी प्लांट की डेथ होगी, बाद में ये सारे एलिमेंट जब मरे हुए का डीकम्पोजिशन होगा टूटेगा तो ये सारे एलिमेंट मिट्टी में आ जाएंगे, और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या होती है बायोजियोकेमिकल साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल? तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोर सल्फर आयरन आर टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल, ये सारे एलिमेंट प्लांट लेता है मिट्टी से, एनिमल ईट दीज प्लांट्स, इन पेड़ों का एनिमल खाएगा, सो दीज एलिमेंट बिकम पार्ट ऑफ प्लांट, एनिमल का पार्ट हो गए, मिट्टी से पेड़ ने लिए उस पेड़ को जानवरों ने खाया फीडिंग, तो इसके हो गए। आफ्टर डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल की डेथ होगी, दीज एलिमेंट्स अगेन रिटर्न इनटू सॉइल, दोबारा मिट्टी में आ गए। दिस साइकिल इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब जिंदा चीज, जियो का मतलब धरती, केमिकल धरती में जिंदा चीज में भी जाते हैं फिर धरती में वापस आ जाते हैं, इस साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। और वेरियस टाइप ऑफ साइकिल आर, कई टाइप की साइकिल होती है, वेरियस टाइप ऑफ साइकिल आर नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोर साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल। अगर नाइट्रोजन यू घूमे तो नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस घूमे प्लांट और एनिमल से होता है मिट्टी में तो फॉस्फोर साइकिल है, सल्फर प्लांट एनिमल से होता है मिट्टी में है सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल है। बैक्टीरिया का रोल इस साइकिल में कहाँ है? तो हम बोलेंगे डेड बॉडी को तोड़ने का काम बैक्टीरिया का रोल है, जो डेड प्लांट्स
एंड एनिमल्स, डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड, मरे हुए प्लांट और एनिमल डिकम्पोज बाय बैक्टीरियाज, इसलिए सो बैक्टीरियाज प्ले रोल इन साइकिलिंग ऑफ, कौन कौन सी साइकिल में रोल प्ले किया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने डिटेल में कराई है, ये लाइन एनसीईआरटी की है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर इन सारी साइकिल में रोल प्ले करता है, क्योंकि डेड बॉडी को डिकम्पोज ये बैक्टीरिया करेगा, जिससे मिट्टी में ये एलिमेंट आएगा फिर पेड़ लेगा। इस दुनिया में अगर बैक्टीरिया ना हो तो डेड बॉडी का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, इस दुनिया में अगर बैक्टीरिया ना हो तो ये डेड बॉडी का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं, बस ऐसे ऐसे डेड बॉडी पड़ी रहेगी जो। अच्छा, रोल ऑफ बैक्टीरियाज इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया से, आज तुम बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है, वो सब बैक्टीरिया से निकली, काफी ज्यादा बैक्टीरिया से निकली है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, क्या होती है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन माइक्रोब एंड किल अदर माइक्रोब। एंटीबायोटिक क्या होती है, एक माइक्रोब से निकलेगी दूसरे को मारेगी, एक केमिकल, वो केमिकल है जो एक माइक्रोब से निकलेगी दूसरे को मारेगी। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो थी पेनिसिलिन थी, जो फंगस से निकली थी, एक माइक्रोब से निकलती दूसरे माइक्रोब को मारती है, तो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी, जिस फंगस में डिस्कवर हुई थी, फंगस का नाम था, किस फंगस में से डिस्कवर हुई थी ये, पेनिसिलियम नोटेटम, इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन पड़ा, पेनिसिलियम फंगस में डिस्कवर हुई थी। लेकिन बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स नाम बता रहा हूं, जो बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं, एंटीबायोटिक का नाम लिख रहा हूं, बैक्टीरिया नेम और एंटीबायोटिक नेम, बैसिलस ब्रेविस बैक्टीरिया का नाम है, इससे एंटीबायोटिक निकलती है ग्रामिसिडीन, दूसरा बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, लाइकेनिफॉर्म इसकी है बेसिट्रेसिन, रटने पड़ेंगे कुछ याद नहीं होगा अभी, बाद में लिख लो फिर बाद में नोट करना, बैसिलस ब्रेविस से एंटीबायोटिक निकलती है ग्रामिसिडीन, बैसिलस लाइकेनिफॉर्म से निकलती है बेसिट्रेसिन, बैसिलस सब्टिलिस से निकलती है सब्टिलिन, बैसिलस पॉलीमिक्सा से निकलती है पॉलीमिक्सिन। बैक्टीरिया से भी ज्यादा एंटीबायोटिक रे फंजाई से निकलती है, वो मैं बाद में कराऊंगा, पर एक सोचने की बात है, तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे को एंटीबायोटिक के इतने नाम याद होने चाहिए जो किसी के याद ना हो, तो एंटीबायोटिक अभी से याद करने नाम शुरू कर दो नाम, क्योंकि डॉक्टर जो लिख के देता है बीमारी में एंटीबायोटिक लिख के देता है, तो उसके नाम ज्यादा से ज्यादा याद करो। तो ये तो बैक्टीरिया की चार एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया के नाम है, ये चार एंटीबायोटिक है, धीरे धीरे नोट कर लो, फिर घर में बैठ कर आराम से याद करना, अभी याद नहीं होंगी, ये जो वीडियो देख के याद नहीं होगा ये सब कुछ टॉपिक जो। और रे फंजाई से बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक निकलती है, वो मैं बाद में कराऊंगा टॉपिक, की रे फंजाई का अलग टॉपिक कराना है, और फंगस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी लिस्ट बनाऊंगा कि इन इन फंगस से ये एंटीबायोटिक निकलती है, तो एंटीबायोटिक मोनेला से भी निकलती है, फंगस से भी निकलती है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम फंगस में हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस में हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन नाम किसने दिया था, पेनिसिलिन नेम वॉक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक का एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट,
बायोस का मतलब लाइफ, क्या सब लाइफ के खिलाफ होती है? ना, ये बैक्टीरिया के खिलाफ है, हमारे फेवर में। ये एंटीबायोटिक होती है, कोई बीमार हो गया, बैक्टीरिया अंदर घुस गया, हम एंटीबायोटिक दे देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ है, लेकिन हम तो ठीक हो गए, ये हमारे फेवर में। तो एंटीबायोटिक्स ये वर्ड होता है जो। और तो अगला फिर मैं टॉपिक जो है अगले वीडियो, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के क्या क्या रोल हो गए, बायोजियोकेमिकल साइकिल में रोल, या नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन की साइकिल में रोल, इन साइकिल में रोल बैक्टीरिया का, डीकम्पोजिशन किया है, और डीकम्पोजिशन कर रहा तो बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफ है, गंदगी को तोड़ रहा है, डीकम्पोज कर रहा तो बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफिक होती है, गंदगी को तोड़ते हैं, तो बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफिक है, गंदगी को तोड़ते हैं, तो ये वाला न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया फंगस दोनों डीकम्पोजर होते हैं, जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है, डीकम्पोज गंदगी को तोड़ेगा तो न्यूट्रिशन सेप्रोट्रोफिक अपना बन गया, जो उस गंदगी को फिर अब्सॉर्ब भी करेगा। जो ये रोल बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक निकलती है, ये साइकिल में रोल, और तीसरा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है। तो ये एनसीईआरटी में तीन फंक्शन लिखे सिर्फ बैक्टीरिया के, नाइट्रोजन बैक्टीरिया का सिर्फ तीन रोल लिखे हैं एनसीईआरटी की बुक में। एक तो इन चारों एलिमेंट के साइकिल में रोल पर करता है बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक निकलती है बैक्टीरिया से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया रोल प्ले करता है। तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ अब जो।